सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे एंड एकदम मस्त होंगे। गाइज, आज की वीडियो में देख सकते हैं आप सभी के लेके आए हैं सबवूफर्स के ऊपर। तो गाइज, ये होम यूज़ के लिए सबवूफर होने वाले हैं। अगर कोई भी भाई होम यूज़ पर्पस के लिए सबवूफर बाय करना चाहता है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। गाइज, ऑर्डर पर यहाँ पर सबवूफर मैं रेडी कर देता हूँ। जैसे भी कस्टमाइज आपको कराना है, मैगनेट साइज़ बताइए एंड सबवूफर का साइज़ बताइए, आपका जो ऑर्डर है गाइज रेडी हो जाएगा। ये भी कुछ सबवूफर हैं जो कि ऑर्डर पर रेडी हुए हैं, सोचा आप सभी के लिए वीडियो बना दूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, कोई भाई चैनल पर नया आया गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। गाइज चलिए वीडियो करते हैं जल्द से स्टार्ट। सो गाइज, सबवूफर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो सबवूफर्स होने वाले हैं गाइज, एवन क्वालिटी के अंदर होने वाले हैं। जो हमारे सबवूफर आते हैं दो टाइप में आते हैं, एक नॉन प्रेस कोन में आता है, एक रबड़ और पीपी कोन में आता है। तो गाइज ये जो सबवूफर होने वाले हैं रबड़ और पीपी कोन के अंदर होने वाले हैं गाइज। तो गाइज ये सबवूफर्स की क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं, इनकी वोल्टेज क्या रहने वाली है एंड इसका साइज क्या है, वो सब बात करेंगे। तो गाइज चलिए सबसे पहले आते हैं अपने 8 इंची के सबवूफर्स के ऊपर। गाइज ये हमारा 120 वाट का सबवूफर है जो कि 120 इसकी RMS पावर है गाइस। ये हमारे सारे हैंडमेड होते हैं, तो इसके अंदर जो हम क्वालिटी देते हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी देते हैं, मार्केट वाला पीस नहीं होता गाइस ये। तो इसके अंदर जो क्वाइल का साइज मैं बता दूं, 38.4 mm की कॉइल लगाई गई है जो कि 4 लेयर के अंदर है। क्वालिटी देख सकते हैं एंड मैग्नेट का साइज देख सकते हैं गाइस। ये सबवूफर है जो कि हम टावर स्पीकर्स में भी यूज़ करते हैं गाइज। जो नॉर्मली मार्केट्स के अंदर टावर स्पीकर मिलते हैं वो वाले जो सबवूफर देखे होंगे आपने, कितने लोकल लोकल और थर्ड क्लास के लगते हैं, उस टाइप के सबवूफर यूज़ नहीं करते अपने टावर्स में। इस तरीके के सबवूफर, हैंडमेड सबवूफर यूज़ करते हैं गाइज। तो इसका जो अगर प्राइस होने वाला है गाइज, वो प्राइस मेरे व्हाट्सअप पे कैटलॉग में देख सकते हैं, कैटलॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो गाइस देख सकते हैं ये पीपी रबड़ के अंदर है, और इसी के अंदर अगर नॉन प्रेस लेना चाहते हैं तो नॉन प्रेस भी मिल जाएगा। दोनों के प्राइस अलग अलग है, ये सबसे ज़्यादा आता है, देन उससे जो कम प्राइस का होगा वो अपना नॉन प्रेस के अंदर होगा। तो ये देख सकते हैं, इसको साइड हटा देते हैं। अब आते हैं अपने 12 इंची के सबवूफर्स के ऊपर। दोनों सेम सबवूफर हैं, तो एक सबवूफर के बारे में बात कर लेते हैं, तो दोनों कवर हो जाएंगे गाइस एक साथ। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा, तो गाइज जो अपना ये सबवूफर होने वाला है वो पीपी और रबड़ के अंदर होने वाला है। जो इसकी रबड़ है वो सराउंड होने वाली है और पीपी इसका कोन होने वाला है। इसकी कॉइल के बारे में बात कर ले, इसके अंदर कितने mm की कॉइल है, 38.4 mm की कॉइल वाइस कॉइल इसके अंदर यूज़ की गई है जो कि 4 लेयर के अंदर है गाइज। और इसके जो मैग्नेट का साइज़ बता दूँ, ये 120 डबल मैग्नेट है, इसी में 135 भी बनवा सकते हैं आप, और इसके अंदर 155 भी आप बनवा सकते हैं, इजिली बन जाएगा। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे सबवूफर आपको रेडी करके दे दिया जाएगा गाइज। और गाइज कोई भी भाई अगर व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करता है तो गाइज इस अगर ये वाला सबवूफर उसको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर डाल सकता है, या अदरवाइज उसको कोई सा भी सबवूफर चाहिए, वोल्टेज बताइए, मैग्नेट साइज बताइए, आपको प्राइस बता दिया जाएगा, इसका भी प्राइस व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा, कॉन्टैक्ट कीजिए, यूट्यूब पे मैं बता नहीं सकता। इसी तरीके से दोनों सबवूफर होने वाले हैं गाइज। चलिए गाइज, आज की वीडियो इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला था इस वीडियो में। अगर आप भी कोई सबवूफर बाय कर रहे हैं या मेरे से करना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइज। चलिए भाई, आज की वीडियो इतनी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।